नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर बाराबंकी से। बाराबंकी जिले में शनिवार को सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विकासखंड दरियाबाद की ग्राम पंचायत गंगारामपुरवा में समाजवादी महिला चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर अन्नू देवी यादव पूर्व प्रधान ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के प्रति गंभीर जघन्य अपराधों का बोलबाला रहा है। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। महिलाओं पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, महिलाएं निराश होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। एक तरफ से बीजेपी सरकार के जंगल राज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है। सौरभ यादव ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को सम्मान देने का काम सपा सरकार ने किया है। महिलाओं को राजनीति में सम्मानजनक भागीदारी देने का काम पूर्व की सपा सरकार में किया गया था। पूर्व की सपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन, माताओं बहनों के लिए 102 एम्बुलेंस, कन्या विद्याधन जैसी अनेकों योजनाओं को पूरे प्रदेश में लागू किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर महिलाओं को छलने का काम किया है। इसी के साथ ही अभिषेक यादव, लवकुश यादव, शुभम यादव ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम रखा गया है, किस लिए रखा गया, इसके बारे में बताइए कुछ। ये आज का कार्यक्रम है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार घेरा कार्यक्रम है, महिला घेरा कार्यक्रम। और आज ही के दिन 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी साथी हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ग्राम में इसी कार्यक्रम को महिला घेरा कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं कि जिस प्रकार देश व प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आज हमारा किसान 70-75-80 दिन हो रहा है बॉर्डर दिल्ली पे बैठा है, लेकिन सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती है। अगर आप कानून ला रहे हैं किसान के लिए, जब किसान को कानून नहीं मंजूर है तो ज़बरदस्ती आप उनके ऊपर लाद रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज ये महिला घेरा कार्यक्रम रखे हैं महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए। समाजवादी पार्टी की जब हमारी सरकार थी तब आप सबने देखा होगा कि महिलाओं को, महिला पिंदर सभी बहन और भाइयों को लैपटॉप, जो इंटर में अच्छे नंबर लाते थे। लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है, तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जिले में जो लड़का या लड़कियां टॉप कर रही हैं उनको लैपटॉप दिया जा रहा है। और ये हमारा वादा है कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी बनेगी तो फिर से वही नीतियाँ हम लोग लाएंगे सरकार की अपनी, कि सभी अपने नौजवानों के लिए, किसानों की, सबकी आवाज़ सुनी जाएगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर कार्यक्रम को हम लोग घेरा कार्यक्रम के रूप में करके जो भी किसी की आवाज़ दबाने की बीजेपी काम कर रही, हम लोग उसको उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीना देवी, शिव देवी, ज्ञानवती, बिंदु, राजकुमारी, रेणु, विनीता, लक्ष्मी, हीरा देवी, विजय लक्ष्मी, आरती, किरण, सुनीता, केतकी, मंजू देवी, सीमा, अभिषेक यादव, अतुल, शुभम यादव, विवेक, वीरेंद्र, राम, सजीवन यादव, तेज प्रताप यादव, इंद्रजीत यादव, अरविंद यादव, राम भवन, जयराम, इब्रार, दीपक, रामू यादव, अजय, गोलू यादव, सर्वेश यादव सहित समस्त सम्मानित माताएं बहनें उपस्थित रहीं। बाराबंकी से भक्तिमान पांडे की रिपोर्ट।